हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से लेट पी बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट आई प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी टू द पावर एन इक्वल टू 0 वेयर 0 डिनोट द नल मैट्रिक्स देन पी इनवर्स इज द ऑप्शन पी टू द पावर एन, पी ऑप्शन माइनस पी टू द पावर एन, सी ऑप्शन इज माइनस ऑफ 1 प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी टू द पावर एन, डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ दियर। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी इनवर्स फाइंड करना है। तो सिर्फ फाइंड करने के लिए की कांसेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, इफ अ मैट्रिक्स ए is non-singular, then the matrix A होगी, then A inverse exists. अगर matrix हमारी non-singular है, question के अंदर में given क्या है? P be a non-singular. P हमारी क्या है? Non-singular matrix है। सिंगुलर का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज डिटरमिनेंट का नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। एंड यहां पर हमारे पास क्या है, आई प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस एन सो ऑन पी टू दी पावर एन, ये हमारे पास इसे इक्वल है नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, पी इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे, आई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस एन सो ऑन पी टू दी पावर एन इज इक्वल टू 0 इंटू में P inverse into में 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की हम किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर से नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो ये कितना आएगा, P inverse into में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस P inverse into P, P inverse into P square, P inverse into P cube और प्लस एंड सो ऑन P inverse into P to the power n और इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P inverse प्लस ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे क्या आ जाएगा P, ये क्या आ जाएगा P स्क्वायर के इक्वल प्लस n सो ऑन, यहां पर कितना आएगा P टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से P इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, सभी को राइट साइड मिल जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो I प्लस P प्लस P स्क्वायर प्लस n सो ऑन P टू द पावर n माइनस 1। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 से I प्लस P प्लस P स्क्वायर प्लस n सो ऑन, हम क्या कह सकते हैं P टू द पावर n माइनस 1 प्लस का P टू दी पावर एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास I प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस एन सो ऑन पी टू दी पावर एन माइनस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का P टू दी पावर एन के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपलाइज P इनवर्स इक्वल टू माइनस का I प्लस पी प्लस पी टू दी पावर एन माइनस 1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा माइनस का P टू दी पावर एन आ जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो P इनवर्स इज इक्वल टू क्या है हमारा P टू दी पावर एन के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन A is the correct one. Hope you understood it.